हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है -2 पावर x इज इक्वल टू 2। फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स ऑफ टेक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। तो देखो, -2 पावर x इज इक्वल टू, तो -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी -1 क्रॉस 2 ये भी इक्वल होता है -2 का होल पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि AB होल पावर x इज इक्वल टू A पावर x एंड B पावर x। मतलब यह है, जब दो डिफरेंट बेसिस हो, एक ही पावर हो, तो वही पावर दोनों के ऊपर स्प्लिट किया जाता है। तो यहां पर भी ये x स्प्लिट हो जाएगा -1 पावर x.2 पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास एक आयलर आइडेंटिटी है, वो ये है e पावर iota π + 1 = 0। शायद आप जानते होंगे, तो e पावर iota π को यहां पर रहने दो, +1 उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो -1 हो जाएगा। अब इनको नाम देता हूं इक्वेशन ए। अब यहां पर -1 जो है, इनकी जगह हम ये लगाते हैं, तो देखो ये हो जाएगा e पावर iota π होल पावर x.2 पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक और रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसके मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो, तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पर भी e पावर iota π होल पावर x है, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e पावर iota π x एंड 2 पावर x इज इक्वल टू 2। अब बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग e पावर iota π x.2 पावर x इज इक्वल टू इस साइड से नेचुरल लॉग 2। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि लॉग इंटू ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब यह है कि जब कोई दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर लें, तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये भी हो जाएगा लॉग ई पावर आयोटा पाई एक्स प्लस log 2 पावर x इज इक्वल टू log 2। अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स log ए। मतलब यह है कि जब कोई चीज एक्सपोनेंशियल में हो, उनके ऊपर log अप्लाई कर लें, तो पावर पहले जाता है साथ में log ए। तो यहां पर भी ये पावर है आयोटा पाई एक्स, ये पहले आकर साथ में ln e हो जाएगा, प्लस ये पावर पहले आकर साथ में ln2 इज इक्वल टू ln 2। अब अयोटा पाई एक्स ln e, ये याद रखिएगा ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इनकी जगह 1 हो जाएगा, प्लस एक्स ln2 इज इक्वल टू ln 2। अब यहां पर एक्स है और यहां पर भी, तो एक्स को कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेकर यहां पर अयोटा पाई रह जाएगा, प्लस यहां पर ln2 इज इक्वल टू ln 2। अब ये सारा कुछ एक्स के साथ प्रोडक्ट में है, तो इस साइड पर शिफ्ट करके डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ln2 डिवाइड बाई अयोटा पाई प्लस ln 2। सो ये रहा
हमारा रिजल्ट मेथड नंबर वन से। अब इसी प्रॉब्लम को मेथड नंबर टू से हल कर लेते हैं और आप देख लीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा कि मेथड नंबर वन इजी है या फिर मेथड नंबर टू। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर टू। अब देखो यह है हमारा रिजल्ट मेथड नंबर वन से। अब मेथड नंबर टू से इनको सॉल्व कर लेते हैं कि मेथड नंबर टू से क्या रिजल्ट आ सकता है। तो बिल्कुल सेम माइनस टू की जगह लिख लेते हैं माइनस वन क्रॉस टू होल पावर एक्स इज इक्वल टू टू। माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर लगाते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है नेगेटिव वन का, ये शायद आपको पता होगा। अब माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर लगाते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस टू होल पावर एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये दोनों प्रोडक्ट करके टू आयोटा स्क्वायर होल पावर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब बोथ साइड का मैं लॉग लेता हूं। इस साइड से लॉग टू आयोटा स्क्वायर होल पावर एक्स इज इक्वल टू इस साइड से लॉग टू। तो पहले मैंने रूल बताया कि लॉग ए पावर एक्स हो तो एक्स फिर पहले आकर साथ में लॉग ए हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पावर एक्स है, ये एक्स पहले आकर साथ में लॉग टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग टू। ठीक है, अब इनके ऊपर लॉगरिथम का एक रूल अप्लाई हो रहा है। वो रूल मैंने पहले बताया, वो यह है कि लॉग इनटू ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब ये दो नंबर्स प्रोडक्ट में हैं तो इनके ऊपर लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स और ये प्रोडक्ट में है तो ये हो जाएगा लॉग टू प्लस लॉग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला लॉग टू। ठीक है, अब इस रूल के मुताबिक ये टू जो है ये पहले आएगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग टू प्लस ये पावर पहले आकर साथ में लॉग आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग टू। ठीक है, अब ये सारा कुछ एक्स के साथ प्रोडक्ट में है, दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये फिर डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो एक्स इज इक्वल टू पहले लॉग टू डिवाइड बाई ये सारा कुछ इस साइड पर आ जाएगा लॉग टू प्लस टू लॉग आयोटा। सो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट मेथड नंबर टू से। अब देखो ये रिजल्ट है मेथड नंबर वन से। अब दोनों रिजल्ट्स को आप देख लीजिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।